नेताओं की जीवनी हिंदी में। दोस्तों, आपके लिए आज हम महात्मा गांधी जी की जीवनी संक्षिप्त में लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता। परिचय। आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने अथक प्रयासों के बल पर अंग्रेजों से भारत को आजाद कराया। यही नहीं, इस महापुरुष ने अपना पूरा जीवन राष्ट्रहित में लगा दिया। महात्मा गांधी की कुर्बानी की मिसाल आज भी दी जाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास सत्य और अहिंसा दो हथियार थे, जिन्होंने इसे भयावह और बेहद कठिन परिस्थितियों में अपनाया। शांति के मार्ग पर चलकर इन्होंने न सिर्फ बड़े से बड़े आंदोलनों में आसानी से जीत हासिल की, बल्कि बाकी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और बापू जी के नामों से भी पुकारा जाता है। वे सादा जीवन, उच्च विचार की सोच वाली शख्सियत थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन सदाचार में गुजारा और अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्रहित में कुर्बान कर दी। उन्होंने अपने व्यक्तित्व का प्रभाव न सिर्फ भारत में ही बल्कि पूरी दुनिया में डाला। महात्मा गांधी महानायक थे, जिनके कार्यों की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। महात्मा गांधी कोई भी फॉर्मूला पहले खुद पर अपनाते थे और फिर अपनी गलतियों से सीख लेने की कोशिश करते थे। प्रारंभिक जीवन। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश हुकूमत के समय राजकोट के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था, जो कि धार्मिक विचारों वाली एक कर्तव्यप्रायण महिला थी। उनके महान विचारों का गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा था। महात्मा गांधी जी का विवाह एवं बच्चे। महात्मा गांधी जी जब 13 साल के थे, तब बाल विवाह की कुप्रथा के तहत उनका विवाह एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा मनकजी के साथ कर दिया गया था। कस्तूरबा जी भी एक बेहद शांत और सौम्य स्वभाव की महिला थी। शादी के बाद उन दोनों को 4 पुत्र हुए थे, जिनका नाम हरिलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी एवं मणिलाल गांधी था। महात्मा गांधी जी की शिक्षा। महात्मा गांधी जी शुरू से ही एक अनुशासित छात्र थे, जिनकी शुरुआती शिक्षा गुजरात के राजकोट में ही हुई थी। इसके बाद उन्होंने 1887 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। फिर अपने परिवार वालों के कहने पर वे अपने बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। इसके करीब 4 साल बाद 1891 में वे अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने स्वदेश भारत वापस लौट आए। इसी दौरान उनकी माता का देहांत हो गया था। हालांकि उन्होंने इस दुख की घड़ी में भी हिम्मत नहीं हारी और वकालत का काम शुरू किया। वकालत के क्षेत्र में उन्हें कुछ ज्यादा कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन जब वे एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। इस दौरान उनके साथ कई ऐसी घटनाएं घटी जिसके बाद गांधी जी ने रंगभेद भाव के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और इससे लड़ने के लिए 1894 में नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। इस तरह गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रंगभेद भाव के मुद्दे को उठाया। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा की। महात्मा गांधी जी को वकालत के दौरान दादा अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला नामक मुस्लिम व्यापारिक संस्था के मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। इस यात्रा में गांधी जी का भेदभाव और रंग भेद की भावना से सामना हुआ। आपको बता दें कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचने वाले पहले भारतीय महामानव थे, जिन्हें अपमानजनक तरीके से ट्रेन से बाहर उतार दिया गया। इसके साथ ही वहां की ब्रिटिश उनके साथ बहुत भेदभाव करती थी। यहां उनके साथ अश्वेत नीति के तहत बेहद बुरा बर्ताव भी किया गया था, जिसके बाद गांधी जी के सब्र की सीमा टूट गई और उन्होंने इस रंग भेद के खिलाफ संघर्ष का फैसला लिया। दोस्तों, हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेताओं के साथ साथ
विदेशी नेताओं के जीवन की संक्षिप्त जीवनी जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की जीवनी लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।